उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड को जाग जाना चाहिए, क्योंकि यूपी टेट साल में एक बार होता है, लेकिन होगा कभी है? डिड यू नो, डू यू नो यूपी टेट कब होगा? आपको पता है कि जो सीटेट का एग्जाम है वो साल के अंदर दो बार हो जाता है, लेकिन यूपी टेट होता है साल के अंदर एक बार। 12 महीने में जितने भी टीचिंग लाइन से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उन्हें नौकरी लगने का, उसके लिए एग्जाम देने का मौका जो मिलता है वो यूपी के अंदर एक बार ही मिलता है, लेकिन पिछले साल से आपको यूपी टेट देखने को नहीं मिला है। तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी आज के टाइम पर हो गया है वो हो गया है यूपी टेट। तो यूपी टेट कब होगा, यूपी की सरकार कब ये समझेगी कि अब जरूर एग्जाम ले लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वेट में बैठे हैं कि यूपी टेट की नोटिफिकेशन आए, हम उस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी तब शुरू करें। हमें समझना पड़ेगा कि सभी लोग इतने अवेयर नहीं हैं कि उन्हें पता हो कि नोटिफिकेशन तो आ जाएगा लेकिन तैयारी शुरू कर दें। लेकिन अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स तैयारी तब शुरू करेंगे जब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और ये होना भी चाहिए दोस्तों कि सरकार टाइम पर नोटिफिकेशन दे। अगर नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा तो क्या क्या फायदा है पढ़ने का, क्या फायदा है आप लोगों को पढ़ाने का? तो दोस्तों यूपी टेट कब होगा, कब इसके बारे में आपको न्यूज मिलेगी, कब आपको यूपी के अंदर इस एग्जाम को देने के लिए कहा जाएगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और यूपी टेट का एग्जाम दोस्तों आपने अब की बार अगर क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपके लिए नौकरी लगने वाला एग्जाम आसान हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब की बार वाले यूपी टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे हैं कि हमें बस मौका मिल जाए, क्योंकि बिना यूपी टेट को क्लियर किए आप यूपी के अंदर जो नौकरी लगने वाला एग्जाम होता है, मास्टर लगने वाला, शिक्षक लगने वाला, आप उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यूपी टेट तो सबसे इंपॉर्टेंट एक नीड हो गया है कि कुछ होना हो यूपी के अंदर यूपी टेट तो होना ही चाहिए। अब अगर यूपी टेट साल के अंदर दो बार होता तो लोगों को यह तसल्ली भी रहती कि चलो अब नहीं हुआ तो अगली बार वाला हो जाएगा, साल के शुरुआत में नहीं हुआ तो साल के अंत में हो जाएगा। लेकिन यहां तो यूपी वालों को वेट करते करते ही हद हो गई है यार, हद मचा दी है हर चीज में। ये अगस्त का महीना भी खत्म हो गया है दोस्तों, खत्म हो गया है अगस्त का महीना, तब तक भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिली। मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था लेकिन मेरे यूपी के स्टूडेंट्स का दर्द देखकर मुझसे रुका नहीं गया कि यूपी का एग्जाम कब होगा, आप बताओ मुझे कब होगा। क्योंकि जो पहला जो होना चाहिए एक साल के अंदर एक बार एग्जाम, कम से कम वो तो करवाओ यार। अब इतने सारे एग्जाम हो चुके हैं, क्या यूपी के अंदर यूपी टेट नहीं होना चाहिए? अब तुम मुझसे पूछोगे गुरुजी होगा कब, मैं तुम्हें बताता हूं। लाइक करो इस वीडियो को, जितने भी यूपी के स्टूडेंट है जुड़ो मेरे साथ दोस्तों, आपको पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, आपके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, हम दोनों काम करेंगे। यूपी टेट जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार ने भी ये चीज देख ली है दोस्तों कि साल के अंदर दो बार ना सही एक बार जो एग्जाम होता है उसको तो हमें लेना ही पड़ेगा। कब तक लोगों को आप जो है टलकाओगे, कब तक आप लोगों को बोलोगे थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीटेट की नोटिफिकेशन भी आपको इस 10 दिन के अंदर देखने को मिलेगी, और यूपी टेट की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको इस मंथ, आपको एक बहुत तगड़ी न्यूज मिलने वाली है। इस मंथ के अंदर आपके सामने डेट रिलीज हो जाएगी कि इस दिन के अंदर आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जो महीना होगा दोस्तों सितंबर का, ये यूपी वालों के लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस महीने के अंदर ही इस साल के अंदर कब आपका एग्जाम होगा, कैसे होगा, ये तय कर दिया जाएगा। यूपी टेट का जो एग्जाम है दोस्तों ये सबसे तगड़े एग्जामों में से मैं मानता हूं जो टेट एग्जाम्स हैं, क्योंकि यूपी टेट के एग्जाम की नेचर सी टेट के एग्जाम की नेचर से अलग होती है। कैसे अलग होती है, यूपी टेट के एग्जाम को क्लियर कैसे करें और यूपी टेट के अंदर 120 प्लस नंबर कैसे लें,
मैं आपको बिल्कुल एक रामबाण इलाज बताऊंगा जिससे आप यूपी के एग्जाम में जाएंगे, यूपी टेट को क्लियर करके आएंगे डंके की चोट पे, खुली चुनौती देकर। वो वीडियो भी आप तक लेकर आऊंगा, लेकिन वो वीडियो तुम्हें तब मिलेगी जब इस वीडियो को लाइक करोगे, नीचे कमेंट करोगे और दोस्तों तक शेयर करोगे। इस महीने के अंदर यूपी सरकार आपको जरूर जो है यूपी टेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ सारी चीजें रिलीज कर देगी। सूत्रों से ये बात मुझे पता लगी है और बैक टू स्कूल के ऊपर जो चीजें मैं बताता हूं, लोग पहले मना करते हैं लेकिन बाद में वही चीजें होते हुए देखते हैं, क्योंकि जब प्रेस रिलीज हुआ था तो मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रेस रिलीज होगा और सीटेट का सिलेबस बदलेगा। कई लोग बोले न्यूज में तो आई नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट में तो आई नहीं है, लेकिन हमारे वो बताने के एक हफ्ते के बाद, तीन चार दिन के बाद हर जगह पर आ गई थी। तो यूपी टेट के लिए ये महीना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयारी करते रहो, किसी भी टाइम पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्त यूपी के स्टूडेंट्स, तैयारी करते रहना है, पढ़ते रहना है, और अब की बार जब यूपी टेट कर लो और नौकरी की बारी आए तो झपट्टा मार देना है उसके ऊपर, और मैं आपकी इसके अंदर सहायता करने वाला हूं। तो लाइक का बटन दबाओ अभी के अभी, कमेंट करो और दोस्तों तक शेयर करो इस वीडियो को, ताकि यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हाथ पर हाथ रखकर ना बैठे रहें, वो भी दोस्तों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और उन्हें पता हो कि हाँ साल के अंदर एक बार यूपी टेट आता है, जरूर आएगा, हमें इस महीने पता लग जाएगा जो भी सिचुएशन होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूं जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि यूपी टेट के अंदर धमाल कैसे मचाएं, पहली बार ही एग्जाम देने जाएं तो वहां पर नंबर लूट कर कैसे आएं। तो चलिए इस वीडियो को जो है आग की तरह फैला दो यूपी के अंदर। टेक केयर दोस्तों।